कल का मैच ऐसा जाएगा कि जब बच्चे भी कह रहे हैं चाचा चाचा छोले दिवाली के पटाखे बचा लो, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो छोलेंगे का। कल का मैच कौन जीत रहा है भैया? ऑस्ट्रेलिया वाले कंगारुओं। कल जो है पाकिस्तान में रातों रात लोगों को ये लगेगी मिर्ची। हाय पाकिस्तानियों, ये मेरे को कुछ बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 108 किलो का हूँ। कट तो कट, सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाते, मजा तो आता मैच देखने में, बेचारे सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। तो पाकिस्तान आज तक नहीं जीता, वो आप क्या जीतेगा? पहले तिरंगा, उसके बाद हमारा महाकाल भगवा। कल के मैच में जैसे ही स्टेडियम में, स्टेडियम का नाम क्या बताया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी। अरे वहाँ बुलडोजर बाबा भेज दो, मैच वैसे जीत जाएंगे। इस तिरंगे को कल पूरे नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में ऐसा लहराया जाएगा, ऐसा लहराया जाएगा कि वो गाना सुना है वो बेबी सन में डोने की, धाम ने कह दिया कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, महावीर भगवान ने कह दिया, प्रभु श्री राम ने कह दिया है। और विराट कोहली जब महाकाल के मंदिर गया था और उसने भस्म आरती करी थी, शिखर धवन ने क्लियर कह दिया, सचिन तेंदुलकर ने कह दिया, बोले एक चिरकुट टीम जो है वो कल रात रात में उनको अटैक आ जाएगा, उनका नाम है पाकिस्तान। जैसे ही वो वहां से गई ना, भारत में मनुष्यत खत्म हो गई। क्या मनुष्यत खत्म हो चुकी? मनुष्य टीम थी साली, सबसे बड़ी मनुष्य टीम ही पाकिस्तान। अब मुद्दा है कंगारू और शेर। क्या कंगारू और शेर? अरे तुलना ही नहीं कर सकते तुम, कंगारू कहाँ शेर के आगे टिकने लग रहा है। कल का कौन मैच जीत रहा है भैया? भैया ऐसे नहीं देखो, ये ऑस्ट्रेलिया वाले सुनेंगे तो कहेंगे हमारे में दम ही नहीं है। कल का मैच कौन जीत रहा है भैया? अरे भैया विराट कोहली के लिए पाकिस्तान की लड़की कहती है कोहली मर जाऊं मैं। और कल जो है पाकिस्तान में रातों रात लोगों को ये लगेगी मिर्ची। हाय लाल में ला नहीं पाया, लाल में ला नहीं पाया, क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है ना, आज मैं लाल लगाना नहीं चाहता था। मगर कल जैसे ही मैच शुरू होगा तो कुर्सी की पेटी बांध लो, योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कह दिया है कि अब की बारी 5 बार दिवाली मनाई जाएगी। कितनी बार? 5 बारी। एक जब पाकिस्तान हारा तब हम लोगों ने दिवाली मनाई, और पाकिस्तानियों की वाइफों के फोन आ गए तो अनु मना किया सी ना खेलो मैच, ना खेलो टीवी फूट जाने हैं, कह रही है देखे साडा विराट जलाया गए। और शम्मी ने तो ऐसी क्षमा जलाई इनकी, ऐसी क्षमा जलाई, ये उसको टॉर्चर करते थे, वो बेचारा कुछ घरेलू मसले में फंस गया था, बहन जी भाभी। अरे तुम्हारा शम्मी ने तो ऐसा शम्मा बुझाया कि 7 विकेट ले लिए। और मोहम्मद सिराज ने ऐसा सिया कि दर्जी भी कह रहा है कि कहां से फड़वा कर आए हो। रोहित शर्मा, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं कि बीसीसीआई भी कह रहा है और वो क्या नाम है वो वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, अरे जो भी हो कह रहा है महाराज ये तो सारे मैच जीतते जा रहे हैं, कहा खा लिया। इनको नहीं पता कि ये लोग वेज की तरफ आ गए हैं। क्या सनातनी? जैसे ये लोग मथुरा वृंदावन गए और वहां बाबा से मिलकर है, क्या नाम है भैया वो बाबा का कैमरामैन? प्रेमानंद महाराज के पास गए। अनुष्का शर्मा कह रही है जरा इनको खिलाने के लिए अच्छे से बोलो महाराज जी। जैसे ही उन्होंने बोला कि विराट वेज खाना शुरू कर दे, क्या उन्होंने बोला हर हर महादेव। और वो एक लड़का आज की डेट में सुरेश अय्यर का, सुरेश अय्यर आए हाय ऐसा अय्या ले रहा है, वो तो सबका ऐसा अय्या ले रहा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो महाराज भी कल कह रहा, साउथ अफ्रीका वाला मैच हुआ परसों, उनकी टीम में एक बंदा महाराज, क्या एक महाराज योगी आदित्यनाथ है बुलडोजर महाराज वो तो। अरे एक मिनट भाई साहब, आप तो थोड़ा सा अलग ही लेयर में लग रहे हो। एक महाराज है योगी आदित्यनाथ और एक महाराज है साउथ अफ्रीका वाला, अंदर खाते में अपने प्लेयरों को पता कह रहा है व्हाट आई वांट टू से वन थिंग, जीतेगा इंडिया ही। अरे है साउथ अफ्रीका वाला, तो भैया कल का मैच कौन जीत रहा है? इंडिया। अरे यार मजा ही नहीं आ रहा है, आप लोग हिंदुस्तानी भी हो के नहीं हो? अगर लाना है तो गदर 2 की तरह बोलो। कल का मैच कौन जीत रहा है भैया? और कल भैया सुनो, अभी थोड़ा मूड ये केजरीवाल वाला माहौल नहीं चल रहा अभी, मैच के बाद अभी नहीं।
कल के मैच में जैसे ही स्टेडियम में, स्टेडियम का नाम क्या बताया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी। अरे वहाँ बुलडोजर बाबा भेज दो मैच, वैसे जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वो देखो भैया नरेंद्र मोदी जी खड़े, वो देखो फोटो खिंचवा रहे, वो देखो खड़े है ना। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम देखो, स्टेडियम तो हिंदुस्तान का है, नरेंद्र मोदी जी शेर का बच्चा है, 140 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड कर रहा है। इस तिरंगे को कल पूरे नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में ऐसा लहराया जाएगा, ऐसा लहराया जाएगा कि वो गाना सुना है वो बेबी सोन में डोने की, बेबी सुखा का गाना है वो, बेबी डॉल में सोने। हाँ वो तुम लोग को ही पता होगा, मैं बॉलीवुड में से अश्लील गाने नहीं देखता, बड़ा शौक है तुम्हारे को। तो वहां पर एक ही मैच होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और कल के मैच में मोहम्मद शमी से ऑस्ट्रेलिया वाले कंगारुओं, कल शमी, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, रोहित, ओए बुमराह का नाम ले लिया है, हाय भूल गए थे आप बुमराह यार, बुम 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 बुमराह बुमराह बुमराह, ऐसा बुम निकालता है, ऐसा बुम निकालता है कि लोग भी कहते हैं भैया कहाँ बुम निकलवा कर आए हो। कल का मैच ऐसा जाएगा कि जब बच्चे भी कह रहे हैं चाचा चाचा छोले दिवाली के पटाखे बचा लो, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो छोलेंगे का पटाखे बचा लो कल के मैच में। और भैया सुनो, कल दीपक जलाना जैसे ही भारत मैच जीतेगा, क्या दीपक जलाना पक्का भैया, जोरदार तालियां बजा दे इस बंदे के लिए भी, और भैया हिंदुस्तान टीम के लिए जोरदार तालियां बजाओ, हिंदुस्तान के लिए बजाओ, 140 करोड़ लोगों के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि कल का जो ये मैच है। हाँ आ जाओ आगे आ जाओ, अरे पूछो भाई पूछो, पहले तिरंगा उसके बाद हमारा महाकाल भगवा। हम सुनो, हम पहले संविधान को पूछते हैं, क्या पहले देश में संविधान है, हम सरिया नहीं बोलेंगे, मैं एक नॉर्मल है क्या,